दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा डीडी फ्रीडिस का एमपीजी टू टाइप का सेटअप बॉक्स होता है उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो नए चैनल आते हैं उनको अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, जिससे दोस्तों आपके सेटअप बॉक्स में जो सारे के सारे नए चैनल डीडी फ्रीडिस पे आए हैं वो सारे के सारे चैनल दोस्तों आपके सेटअप बॉक्स में एड हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे डीडी फ्रीडिस के सेटअप बॉक्स को अपडेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे सेटअप बॉक्स में पहले से चैनल्स आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं उनको सबको यहाँ पर डिलीट करेंगे। हमारे सेटअप बॉक्स को पूरी तरीके से हम खाली करेंगे ताकि आपको प्रॉपर और सही तरीके से यहाँ पे जानकारी मिल सके। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इन सारे चैनल को डिलीट करने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे रिमोट का जो मेन्यू बटन है उसको प्रेस किया है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे एडिट प्रोग्राम में हमको जाना होगा और डिलीट ऑल प्रोग्राम में जा करके यहाँ से इन सारे चैनल को डिलीट करना होगा। इसी तरीके से दोस्तों हम रेडियो चैनल को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो रेडियो चैनल इस पर हमको जाना है और वापस एडिट प्रोग्राम में आ जाना है और वापस से यहाँ पे डिलीट ऑल प्रोग्राम में आकर के इनको यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे रेडियो टीवी दोनों प्रकार के जो चैनल्स हैं उनको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे डिलीट कर दिया है और वापस टीवी चैनल इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं हमारे सेटअप बॉक्स में कोई भी टीवी प्रोग्राम और कोई भी रेडियो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं है। हमारा सेटअप बॉक्स पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो अब दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वापस से हमारे इस सेटअप बॉक्स के अंदर चैनल्स को ऐड करना होगा। तो चैनल सेट करने के लिए सिंपल तरीका है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है। मेन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोग्राम सेटअप में जाना है। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद आपको चले जाना है ऑटो स्कैन में। ऑटो स्कैन में जाने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग्स आपको करनी है। सबसे पहले जो एलएन फ्रीक्वेंसी है इसको आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे 5150 की जगह आपको 9750 कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम 9750 कर देते हैं और ये दोनों जगह हमको करना होगा 09750। यहाँ पे दोनों जगह मैंने कर दिया है और स्कैन मोड में हमें यहाँ पे फ्री करके रखना है। अगर आपके सेटअप बॉक्स में ऑल हो रहा है तो इसको आप फ्री कर लीजिए और बाकी बाय स्कैन डिस्क किसी ऑफ रखना है। बस ये छोटी सी सेटिंग करनी है, सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना। तो बस इस छोटी सी सेटिंग करने के बाद, रिमोट का ओके बटन दबाने के बाद आपके सेटअप बॉक्स में ऑटोमेटिकली नए चैनल ऐड हो जाएंगे और आपका सेटअप बॉक्स जो है बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए इस स्कैनिंग को कंप्लीट होने देते हैं और देखते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में कितने चैनल यहाँ पे ऐड होते हैं। अगर दोस्तों इस स्कैनिंग से, इस ऑटो स्कैनिंग मेथड के द्वारा कोई चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड नहीं होता है तो उसका भी मैं तरीका आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आपको कम्प्लीट और सही जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमारे सेटअप बॉक्स की ऑटो स्कैनिंग कम्प्लीट हो चुकी है। चलिए हम यहाँ से बैक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में कितने चैनल ऐड हुए हैं। तो देख सकते हैं हमारे सेटअप बॉक्स में टोटल 38 चैनल ही दोस्तों यहाँ पे ऐड हुए हैं। सारे चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड नहीं हुए हैं, जबकि 94 चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में दोस्तों यहाँ पे ऐड होते हैं, लेकिन 38 चैनल ही दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की मुझे कमेंट्स मिलती हैं कि भैया हमारे सेटअप बॉक्स में केवल 38 चैनल ही ऐड होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में केवल 18 चैनल ही ऐड हुए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में केवल 50 चैनल ऐड हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम सारे चैनल को ऐड कर सकते हैं? तो वो प्रॉब्लम भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सेटअप बॉक्स में भी दोस्तों यहाँ पे पूरे चैनल ऐड नहीं हुए हैं, जबकि हमारे सेटअप बॉक्स में 94 चैनल ऐड होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 38 चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हुए हैं। तो उन चैनल को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि हमारे सेटअप बॉक्स में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के चैनल ऐड हो चुके हैं और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के चैनल ऐड नहीं हुए। तो यहाँ पे ये पता करना होगा। इसका पता करने के लिए आपको तो सबसे पहले मैं 5 फ्रीक्वेंसियाँ बता देता हूँ। उन 5 फ्रीक्वेंसी पे ही हमारे सेटअप बॉक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो उन 5 फ्रीक्वेंसी को आप नोट कर लीजिए और बाद में मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप मैच करवा लीजिए कि आपके सेटअप बॉक्स में कौन सी फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है और कौन सी नहीं हुई है। उसके बाद में मैं उस फ्रीक्वेंसी को आपको बताऊंगा कि कैसे डालना है, कहाँ डालना है और कैसे आपके सेटअप बॉक्स में उन चैनल को लेकर के आना है। तो 5 फ्रीक्वेंसी में दोस्तों आप नोट कर लीजिए, बता रहा हूँ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है 11090 वर्टिकल 29500। दूसरी फ्रीक्वेंसी है 11470 वर्टिकल 29500। तीसरी है 11510 वर्टिकल 29500। चौथी है 11550 वर्टिकल 29500 और पांचवी है 11170 वर्टिकल 29500। तो ये फ्रीक्वेंसी है, पांचों को आप नोट कर लीजिए। अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक नंबर पे चला जाना है और यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, 11470 वर्टिकल 29500 नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे सेटअप बॉक्स में यहाँ पे ऐड हो चुकी है, 11470 वर्टिकल 29500। उसके बाद हम नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 11550 वर्टिकल 29500। और नीचे चलते हैं
तो यहाँ पे दो फ्रिक्वेंसियाँ ही दोस्तों हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हुई हैं, जबकि तीन फ्रिक्वेंसी हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड नहीं हुई है। तो हमारे सेटअप बॉक्स में पूरे चैनल कैसे आएंगे, तो यहाँ पर जो तीन फ्रिक्वेंसियाँ उनको हमें डालना होगा, तब जाकर के हमारे सेटअप बॉक्स में सारे चैनल ऐड होंगे। तो सबसे पहले तो हमें मैच करवाना होगा पांच फ्रिक्वेंसी से कि कौन सी फ्रिक्वेंसी हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड नहीं हुई है। तो फिलहाल हमारे सेटअप बॉक्स में कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी ऐड हुई है, एक तो हुई है 11470 और एक हुई है यहाँ पे 11550, दो ही हुई है। तो तीन फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं हुई है, पहले तो है 11090 और दूसरी है 11510 और तीसरी है 11170, ये तीन फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं हुई है। तो इन फ्रिक्वेंसी को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिमोट का मेन्यू बटन दबाना होगा और उसके बाद सिंपली आपको प्रोग्राम सेटअप में चले जाना है। उसके बाद सिंपली ऐड न्यू प्रोग्राम में चले जाना। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे LNE फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करना है। अगर आपके सेटअप बॉक्स में कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी डल रही है तो चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 09750 रखना है दोनों कॉलम में और उसके बाद में यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं हुई है वो आपको यहाँ पे डालना है ट्रांस फ्रिक्वेंसी के अंदर। तो जैसे कि पहली फ्रिक्वेंसी अपनी है 11090, तो हम यहाँ पे 11090 डालेंगे। 11090 पहली फ्रिक्वेंसी हमने डाल दी है। इस 11090 के लिए सिंबल रेट 29500 रहने वाला है जो कि पहले से डाला हुआ है। पॉलिटी वर्टिकल रहने वाली है जो पहले से डाली हुई है। 22K और DCQC यहाँ पे ऑफ रहेगा, मोड इसको ऑल की जगह में फ्री कर लेना और सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो देखते हैं इस फ्रिक्वेंसी पे 18 चैनल हमने अभी यहाँ पे ऐड कर लिया इस फ्रिक्वेंसी पे। अब दोस्तों एक फ्रिक्वेंसी और ऐड नहीं हुई है, दो फ्रिक्वेंसी और जो हैं बाकी। अब दोस्तों बाकी की दो फ्रिक्वेंसी अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दूसरी फ्रिक्वेंसी हमारी 11510, तो वापस ऐड न्यू प्रोग्राम में चलेंगे। LNE फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, इस बार 9750 ही रखना है और यहाँ पे 11510 हमें करना है। तो यहाँ पर हमने 11510 डाल दिया है और इस फ्रिक्वेंसी के लिए भी सिंबल रेट 29500 रहने वाला है, पॉलिटी वर्टिकल रहने वाली है, 22K DCQC ऑफ रहने वाला है और मोड फ्री यहाँ पे कर देना है, सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 चैनल हमारे सेटअप बॉक्स में ऐड हो चुके हैं। अब एक फ्रिक्वेंसी और बच रही है 11170 वर्टिकल 29500, उसको भी डाल देते हैं। तो वापस ऐड न्यू प्रोग्राम में जाना है, वापस ट्रांस फ्रिक्वेंसी में जाना है नीचे और यहाँ पे 11170 डाल लेते हैं। इस बार ये 11170 डाल लिया। इस फ्रिक्वेंसी के लिए भी सिंबल रेट 29500 रहने वाला है, पॉलिटी वर्टिकल रहने वाली है, 22K और DCQC ऑफ रखना है और मोड फ्री करना है, सिंपली रिमोट का ओके बटन दबाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी 18 चैनल आ चुके हैं। चलिए हमने सारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर डाल ली हैं, दो फ्रिक्वेंसियाँ पहले ही आ गई थी, तीन फ्रिक्वेंसी हमने मैनुअली डाल ली है। चलिए बैक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सेटअप बॉक्स में सारे चैनल ऐड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो देख सकते हैं हमारे सेटअप बॉक्स में टोटल 94 चैनल ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने सेटअप बॉक्स को जो है अपडेट कर सकते हैं, अपने सेटअप बॉक्स के अंदर सारी की सारी जो चैनल्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं और अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन कर सकते हैं। और ऑटो स्कैन के द्वारा भी आपके सेटअप बॉक्स में कोई चैनल नहीं आता है तो आप मैनुअल तरीके से भी ऐड न्यू प्रोग्राम में जाकर के भी अपने सेटअप बॉक्स के अंदर इन सारे चैनल को ऐड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।